डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पुस्तक धन को आकर्षित कैसे करें में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के सिद्धांत और तकनीकों पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक का मुख्य विचार ये है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका सही उपयोग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यहाँ इस पुस्तक के कुछ प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया गया है, जैसे अवचेतन मन की शक्ति। हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन में धन और समृद्धि के विचारों को स्थापित करते हैं तो वे हमारी वास्तविकता बन सकते हैं। सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बार बार दोहराने से वे हमारे अवचेतन मन में गहराई में प्रवेश करते हैं। ध्यान और पुष्टि अफर्मेशन। प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन का उपयोग करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ या धन मेरे जीवन में आसानी से और निरंतर आता है। ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शांत करें और धन के विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। विजुअलाइजेशन अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं, जैसे आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं उसे सोचें और महसूस करें। विजुअलाइजेशन आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण धन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। इसे बुरा या गलत समझने के बजाय इसे एक उपयोगी साधन के रूप में देखें। दान और उदारता का अभ्यास करें। देने से आपके मन में धन की कमी का डर समाप्त हो जाता है और आप अधिक आकर्षित कर पाते हैं। डर और अवरोधों को दूर करें। अपने मन में सभी नकारात्मक विचारों और डर को हटाएं जो आपको धन प्राप्ति में बाधा डालते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाएं ताकि आप खुद को धन प्राप्त करने योग्य मान सकें। सक्रियता और क्रिया अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कार्यवाही भी करनी होगी। अपने व्यवसाय या नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करें और नए अवसरों का लाभ उठाएं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक सोच पुष्टि विजुअलाइजेशन और क्रियात्मकता के माध्यम से हम अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आशा है आपको ये सारांश पसंद आया होगा। धन्यवाद।